सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024। आप सभी का बेस्ट हो, सबकी विशेष पूरी हो। और हाँ गाइस, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, 2023 एमी वे बंटाई के गाने से खत्म हुआ, 2024 हनी सिंह के गाने से शुरू हुआ। तो भाई सच में ये साल तो मजेदार होने वाला है, बिकॉज यार देखो, 1 जनवरी जो भी चीज शुरुआत करते है ना, वो वैसे ही मतलब पूरा साल वैसे निकलता है। ये साल भाई मेरे भी बहुत सारे सपने हैं गेमिंग चैनल पे कंसिस्टेंट। मेरे को 3रा सिल्वर प्ले बटन चाहिए मेरे गेमिंग चैनल पे। सपोर्ट नहीं किया तो यार पिन कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज जाके गेमिंग चैनल को भी सपोर्ट करना। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना। तो जैसे कि हनी सिंह का न्यू गाना आया है जिसका नाम है हबीबती। भाई हबीबी सुना, ये हबीबती क्या है मुझे नहीं पता। वैसे ये मोरक्कन करके कुछ है, क्योंकि टीजर में इसमें बोला था और लिखा था उसने अपने स्टोरी पे हनी सिंह ने। एनीवेज गाइस, चलो फटाफट से गाना सुनते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। Yo Zach, where we going bro? I'm taking you to a proper Moroccan wedding. Nice. Moroccan, वाह, proper Moroccan wedding, Casablanca, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। Okay. So beautiful, go. I want to talk to her. Go, bro, talk to her in Arabic. I don't know how to speak Arabic. I'll teach you Arabic. Let's go. Habibti. Oh, Habibti bolte hain wahan pe. Okay. Are you Indian? Living in Dubai? Yeah, but I want to take you to Los Angeles. Enjoy the wedding. Ignore. Habibti. ओके, लेट्स हियर भाई, गाना कैसा है, वायरल होगा नहीं होगा देखते हैं भाई। होगा वायरल होगा भाई। पोले पोले अंगनी तेरे, अंगनी तेरे, निके निके बच्चे बिगाड़े, औंधी नेड़े संग ना तेरे। ओ भाई देखो, अभी तक हनी सिंह 2.0 जब आया था तो यार वो आते ही खत्म हो गया और इतना मतलब सक्सेस नहीं मिला था, लेकिन हनी 3.0 अभी तक चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है, अभी तक खत्म नहीं हुआ और बैक टू बैक बैंगर्स। ओ भाई क्या स्टार्टिंग था गाने का, गया वायरल हो जाएगा भाई। एक चीज बोलने वाला, जब एनिमल मूवी का ये वाला गाना आया था जमाल कुदू, बहुत ज्यादा अभी भी मतलब रील बनी रही है उस पर, ट्रेंड पे है ही वो गाना, ईरानी लोग बहुत खुश रहते हैं, मैंने देखा था कमेंट्स में, थैंक यू इंडिया इतने पुराने गाने को मतलब अब प्रॉपर दुनिया तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली उस लैंग्वेज में था ना। अब बॉलीवुड के माध्यम से, क्योंकि देखो आबादी बहुत है हमारे कंट्री में, तो अब जब गाना हिट होगा तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड तो हो ही जाएगा, क्योंकि भाई इतने सारे लोग बनाने वाले होते हैं। अब ये गाना, अब मोरक्कन लोग खुश हो जाएंगे, और अगर मोरक्कन लोग खुश हो जाएंगे तो यार नोरा फतेही भी इस पर बनाएगी, क्योंकि वो मोरक्कन है ना। नोरा फतेही किसको पसंद नहीं है भाई, ये गाना हो गया भाई, रील बनना शुरू हो जाएंगे इस पर। भाई कितना सूदिंग सॉन्ग है, पूरा सोलफुल है यार। और एक और चीज अच्छी लगी, प्रॉपर मोरक्कन कल्चर दिखाया गया यार। ये आई मेरे यार दी वेडिंग, नाल तेनू लेके जाऊं, तुम्हारे घूम के बेबी मैं तेरे ते कैश डाउन, तू पाई लेगा
शेरवानी चार पैग मार वो तो का करेंगे कोई छेड़खानी दिल रोने कैम होया तेरे नाल जैम होया डांस दा टाइम होया यो यो दा गाना लगा हबीबी लग तेरा भाई ये जो इसका न्यू गोटी रखा है सो गोटी बोलते हैं ना इस स्टाइल को क्योंकि कला स्टार खुले खुले और ढीठ तीनों गानों में सेम लुक था और इसमें भी सेम लुक रखा है मेरे को लगता है इसको लकी पड़ गया भाई है क्योंकि बैक टू बैक अब तो बैंगर ही आ रहे हैं Okay, so guys, एक चीज बहुत बढ़िया बोलना चाहूंगा मैं हनी सिंह ने नॉट जस्ट एक बहुत बढ़िया कमबैक किया मैं तो बोलूंगा कमबैक तो क्या दूसरों के लिए किया होगा क्योंकि उसके फैंस के लिए तो कभी कमबैक था ही नहीं क्योंकि वो कभी डाउन ही नहीं हुआ था क्योंकि अगर वो डाउनफॉल में भी उसके मिलियन में व्यूज आ रहे थे तो भाई क्या ही डाउनफॉल उसको बोलते हैं ऐसा डाउनफॉल सबको दे है ना दूसरी बात इतना वर्सेटाइल है ये बंदा राइट फ्रॉम खुले खुले कला स्टार ढीट प्रॉपर गैंगस्टर वाइब गाना था फिर रोमांटिक गाना आया फिर ऐसा गाना आया प्रॉपर डिफरेंट कल्चर वाला गाना आया तो देखो भाई वैरायटी देखो कितनी मतलब ऑडियंस के लिए वैरायटी भी दे रहा है ये बटर चिकन तंदूरी चिकन चिकन काली मिरी और वेज के लिए चलो पनीर मशरूम आलू जो भी ले लो एक वैरायटी दे रहा है भाई तो ये मेरे को अच्छा लगा हबीबती ओके ये वर्ड आज मैंने पहली बार सुना क्योंकि हबीबी मैंने सुना हुआ है वल्ला वल्ला तो वर्ड तो ऑब्वियसली सबको पता है अरेबिक स्लैंग स्लैंग ही बोलते हैं ना गलत बोला तो उसे माफ कर देना लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस पहले तो गाने को 5 स्टार में से 5 स्टार देता हूँ ये साल जबरदस्त इसलिए होने वाला है एक तो भाई इंटरनेशनल विलेजर 2 आने वाला है एंड उसमें एमिवे का भी आई थिंक कुछ फीचरिंग होगा तो बहुत मजेदार ये साल होने वाला आई होप पिछले साल से 10 गुना अच्छा हो क्योंकि पिछले साल मेरे लिए ओके था मेरा मेंटल हेल्थ खराब था पूरा पिछले साल आई होप ये मेंटल हेल्थ में मैं परफेक्ट हो जाऊं आप सभी का मुझे प्यार मिले और आप सभी खुश रहो भाई आबाद रहो और आपने न्यू ईयर कैसे स्पेंड किया फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ या अकेले कंबल में बिल्कुल मेरी तरह रेलगाड़ी चलाते वक्त एंड थैंक्स अ लॉट गाइस मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मैंने कहा था यार बर्थडे तक करा देना यार देखो बर्थडे तक तो नहीं हो पाए क्योंकि साला 20 सब्सक्राइबर रह गए थे बट कोई बात नहीं 28th को नहीं 29th दिसंबर को अगले दिन हो गए थे बट हो गए अब नेक्स्ट 200 के सब्सक्राइबर्स बट भैया मेरा तो पूरा लेना देना यही है कि ये साल के एंड तक 1.5 है ना भाई 5 लाख हो जाए तो मजा ही आ जाए भाई सच में उसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लाइव स्ट्रीम्स करनी पड़ेगी ओरिजिनल कंटेंट डालना पड़ेगा तो हो ही जाएगा मेरा देखो प्लानिंग तो वही है अब भगवान जो भी चाहे किस्मत में जो लिखा होना वही है एनीवेज गाइस अपना ओपिनियन प्लीज मुझे कमेंट में बता देना दैट्स फॉर टुडे मैं हूं आपको 1 स्टार की डमर बेदी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी मिलता हूं मैं आपको बाय बाय